गाइस हमारे साथ आज एमजी हेक्टर पेट्रोल है ऑटोमेटिक, हैरियर डीजल है ऑटोमेटिक, और हम ड्रैग रेस करेंगे। रिजल्ट आपके सामने आएगा, चलें देखते हैं। चलो भाई, तीन बीप पे चलेंगे, एसी ऑफ है और स्पोर्ट्स में लगा लिया है भैया, क्योंकि ये 1.5 वाली MG हेक्टर है लेकिन पेट्रोल में ऑटोमेटिक है, ये आपकी डीजल में ऑटोमेटिक है। 170 हॉर्स पावर है, उसमें 140 हॉर्स पावर है। अब हम इसकी ड्रैग रेस फिर से करते हैं। अभी तो MG जो है वो पीछे आई है और हैरियर आगे आई है, लेकिन यहाँ पे अभी एक और हमारे साथ साथी बैठ गए हैं, तो थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, तो अब देखते हैं। उसका वेट कम है क्योंकि उसमें केवल ड्राइव करने वाला इंसान बैठा हुआ है। तो चलिए, तीन बीप पे हम रन करते हैं। तीन हो, तीसरे हॉर्न पे, एक दो तीन। बोला ना ड्राइवर ने, उठ नहीं पा रही है। तो पेट्रोल में एक चीज महसूस की गई है बार बार कि स्टार्टिंग जो है वो उतनी तेज नहीं मिलता, थोड़ी देर के बाद वो उठती है। जो उसका RPM है, जब वो 2 या 3 के पास जाता है तब वो उठना शुरू करती है। तो ये है अंतर दोनों। बट ऑब्वियस है कि सही ड्रैग रेस होती अगर हैरियर और हेक्टर दोनों ही डीजल की करवाई जाती, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को देखते हुए पेट्रोल और डीजल हेक्टर और हैरियर की ड्रैग रेस करवाई गई है। लेकिन एक चीज तो साफ हो गया है कि जो पावर्स के नंबर आपको दिखाए जाते हैं वो वाकई में मैटर करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटो ट्यूब इंडिया।